राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव 6 साल बाद चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। लालू बिहार की 2 विधानसभा सीटों तारकपुर और कुशेश्वर स्थान के लिए होने वाले उपचुनाव प्रचार कर रहे हैं और वे अभी तारापुर में रैली कर रहे हैं। इसके बाद कुशेश्वर स्थान जाएंगे। माना जा रहा है कि लालू की एंट्री से चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। वहीं आरजेडी समर्थकों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। वे बेसब्री से तारापुर में ईदगाह मैदान में अपने नेता के आने का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि सभी पार्टियों ने इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। देखना होगा कि 30 अक्टूबर को जनता किसके पक्ष में वोट करती है, वहीं 2 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। इस बीच बता दें कि सोनिया गांधी ने लालू यादव को फोन भी किया था, जिसके बाद ये बातें सामने आने लगी है कि आखिर सोनिया गांधी को इतने सालों बाद लालू यादव की याद कैसे आई। बता दें कि लालू यादव पिछले कई सालों से राजनीति में सक्रिय नहीं थे, लेकिन अब लालू यादव वापस से राजनीति में एंट्री कर चुके हैं। जिसके बाद बता दें कुछ दिनों से कांग्रेस और आरजेडी के बीच खटपट चल रही थी, उसी को शांत करने के लिए सोनिया ने राहुल से फोन पर बात की है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।